देखें क्वेश्चन मेरी बुक का पहला क्वेश्चन ही है जो कि आपके सामने, सॉरी क्वेश्चन नंबर टू है कि वीगोस कैश बुक बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का टॉपिक है हमारा। ये ओ लेवल्स का भी है जी, आईजीसीएसई का भी, ए लेवल्स का भी। वीगोस कैश बुक शोर द फॉलोइंग एंट्रीज, तो कैश बुक आपको दी हुई है, आपके सामने बनी हुई है, ठीक है। थोड़ा सा इसको जरा छोटा कर देते हैं ताकि सवाल जो है वो पूरा हमारा आ सके एक ही फॉर्मेट पे। तो ये आपको कैश बुक बनी हुई है। अच्छा, इसे हम कहते हैं, जरा आपको लिखना पड़ेगा, जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं इसको हम कहते हैं जी, मैं लिख रहा हूं साथ आप भी लिखेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम वन बैलेंस एंड रीचिंग ऑन द अदर। यानी हमारा जो टॉपिक है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का, ये टॉपिक है स्टार्टिंग फ्रॉम वन बैलेंस एंड रीचिंग ऑन द अदर। एक और मेथड होता है, उसे कहते हैं डबल बैलेंस मेथड, बट वी आर नॉट गोइंग टू कंसीडर डबल बैलेंस मेथड, वी आर टेकिंग इनटू अकाउंट ओनली दिस मेथड व्हिच इज स्टार्टिंग फ्रॉम वन बैलेंस एंड रीचिंग ऑन द अदर। यानी इसका मतलब बेसिकली क्या है वो मैं लिख रहा हूं, स्टार्टिंग फ्रॉम कैश बुक बैलेंस एंड रीचिंग ऑन द बैंक स्टेटमेंट बैलेंस। ऑन द बैंक स्टेटमेंट बैलेंस ये हमारा टॉपिक है बेसिकली। एक ही बात मतलब है सबका। इसमें हम क्या बनाते हैं, इसमें दो चीजें बनती हैं बेटा। एक हमारी बनती है अपडेटेड कैश बुक, ये रिवाइज कैश बुक, और दूसरी हमारी बनती है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। ठीक है जी, एक बनती है अपडेटेड कैश बुक या रिवाइज कैश बुक, और दूसरी बनती है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। अपडेटेड कैश बुक में मैंने आपको पहले बताया था कि वी आर ओनली कंसीडरिंग बैंक कॉलम ओनली, वी आर डीलिंग विद बैंक कॉलम ओनली। ठीक है जी, तो मैं यहाँ पे डॉलर के साइन लगा लेता हूँ। सबसे पहले आपका आ जाएगा, आपको पहले बैलेंस निकालना है। याद करें मैंने आपसे क्या कहा था कि डेबिट साइड का हम टोटल करेंगे, ये हम पहले बना चुके हैं ना, 1450 प्लस 500 प्लस 260 प्लस 200 माइनस 920 जो क्रेडिट साइड है, माइनस 480 माइनस 220, तो आपका बैलेंस क्रेडिट ऑन यहाँ पे जो निकलेगा वो आ जाएगा 790, और उससे हम स्टार्ट करेंगे अपनी अपडेटेड कैश बुक, यानी बैलेंस ब्रॉट डाउन जो यहाँ लिखेंगे वो हम लिखेंगे 790। हमने क्या करना है, रिसीट्स लिखनी है। रिसीट्स क्या है, जो बैंक स्टेटमेंट में क्रेडिट हुई है, जो बैंक स्टेटमेंट में क्रेडिट है लेकिन कैश बुक में डेबिट नहीं है। देखें 500 यहाँ पे क्रेडिट है, यहाँ डेबिट है जी बिल्कुल लिखा हुआ है, 260 यहाँ क्रेडिट है, यहाँ डेबिट लिखा हुआ है जी बिल्कुल, 25 यहाँ क्रेडिट है लेकिन यहाँ डेबिट नहीं है, 25 डिविडेंड रिसीव आपने किया 25 का, लेकिन हमने यहाँ पर इसको डेबिट साइड पे रिकॉर्ड नहीं किया, तो 25 आप यहाँ पे लिखेंगे डिविडेंड के नाम से आ जाएगा जी 25। बैंक स्टेटमेंट में ये हमने रिकॉर्ड कर लिया ना अपना, यानी कि रिसीट्स तो रिकॉर्ड हो गया, पेमेंट्स की बात करते हैं, तो बैंक स्टेटमेंट में डेबिट हुई है लेकिन कैश बुक में क्रेडिट नहीं हुई। 920 यहाँ डेबिट पे है, यहाँ क्रेडिट पे है जी लिखा हुआ है, 480 यहाँ डेबिट पे है, वहाँ क्रेडिट पे है जी लिखा हुआ है, 260 यहाँ डेबिट पे है लेकिन वहाँ क्रेडिट पे नहीं है। इस तरह बैंक चार्जेस भी यहाँ डेबिट पे है लेकिन वहाँ क्रेडिट पे नहीं है, तो दोनों आपको लिखने पड़ेंगे, एक जैक डिसऑनर है 260 का और एक बैंक चार्जेस है, तो मैं लिख दूंगा जी, इधर मेरा आ जाएगा जी चेक डिसऑनर 260 का, और दूसरा आप मेरे आ जाएंगे जी 20 का। तो कर लेते हैं इसका हम, ये आपका आ जाएगा 815 माइनस 240, ये हम इधर लिख लेते हैं 790, ये आपका आ जाएगा 815, इधर भी आपका आ जाएगा 815। थोड़ा मुझे इसमें गलती नजर आ रही है, मैं थोड़ा चेक करना चाह रहा हूँ कि कहीं नीचे भी तो और कोई इनकम तो नहीं है, नहीं है ठीक है,
डिविडेंड था 25 का और डिसऑनर्ड चेक था 20 का और बैंक चार्जेस थी 815 में से माइनस अब कर देंगे 260 और माइनस 220 तो 535 आपका ये आ जाएगा कैरी डाउन. सो द कैरी डाउन ऑफ अपडेटेड कैश बुक इज 535 जो कि आपका बन जाएगा ब्रॉट डाउन अगले साल का या आप जो भी कह लें 535. अब हमने बनानी है बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट. तो याद रखिएगा कि बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट जो है दैट विल स्टार्ट फ्रॉम द एंडिंग बैलेंस ऑफ द कैश बुक. आई रिपीट अगेन, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट विल स्टार्ट फ्रॉम द एंडिंग बैलेंस ऑफ द कैश बुक. राइट, मुझे एक बच्चे को जरा कॉल करनी है तो मैं थोड़ा सा दोबारा. तो पहले जी एनपीएनसी की बात कर लेते हैं, ये होती क्या है वो. ये देखें जी, हमने यहां पर एक लिखी बनाई कैश बुक एग्जाम्पल के तौर पे, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल. और मैंने एक बैंक स्टेटमेंट भी यहां छोटी सी ओपन कर ली एग्जाम्पल के तौर पे, दिस इज आल्सो एन एग्जाम्पल. अब सारी बात है मेरा अकाउंट बैंक में होगा तभी कुछ काम आगे चलेगा ना. तो मैं सपोज कर रहा हूं 10,000 मेरे अकाउंट में पैसे जो है वो पड़े नहीं. अब क्या हो रहा है, अब गलती कौन कर रहा है? अब गलती कर रहा है बैंक. कैशबुक वाले गलती नहीं कर रहे. कैशबुक की गलतियां दो ही होती हैं, एक रिसीट्स और एक पेमेंट्स जो हम रिकॉर्ड कर चुके हैं. अब बारी आती है बैंक स्टेटमेंट मिस्टेक्स की और वो क्या होती है उसके बारे में थोड़ा सा हम पीछे जाके बात भी करेंगे और डिस्कस भी करते हैं. ठीक है जी, ये देखेंगे नॉट प्रेजेंटेड चेक्स और नॉट क्रेडिटेड चेक्स आपके सामने लिखे हुए हैं. Not presented checks क्या होते हैं बेटा? चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट. चेक ड्रॉन जिसके नाम का आप चेक लिखते हैं बट पेमेंट नॉट मेड बाय द बैंक. चेक पास्ड फॉर पेमेंट बट नॉट एनकैश्ड बाय द बैंक. चेक पास कर दिया पेमेंट के लिए लेकिन बैंक वालों ने कैश अभी तक नहीं किया. आउटस्टैंडिंग चेक्स, अनप्रेजेंटेड चेक्स, ऐसे चेक्स जिनको हमने जारी तो कर दिया लेकिन बैंक वालों ने, बैंक में अभी भी आउटस्टैंडिंग है, पेमेंट नहीं हुई. या चेक इशूड इन फेवर ऑफ क्रेडिटर. क्रेडिटर कौन होते हैं? जिनको पैसे देने होते हैं उनकी फेवर में चेक इशू कर दिया बट रिमेन्स अनपेड इन द बैंक, लेकिन बैंक वालों ने पैसे अदा नहीं किए. तो जरा इसका ट्रीटमेंट देखें कि क्या होता है. एक चेक था जो हमने किसी को पैसे अदा करने थे तो मैंने अमल क्या किया कि मैंने 500 रुपया चेकबुक काट के 500 रुपया उसमें लिखकर पे अमल 500 साइन करके दे दिया आपको. आप बैंक में पैसे जब लेने के लिए गए तो मैं फौरी तौर पर 500 अपना यहाँ क्रेडिट कर दूंगा. क्यों? क्योंकि मेरे हिसाब से जो मेरे बैंक में $10,000 पड़े हुए थे उसमें से 500 कम हो गए लेकिन बैंक वालों ने उस 500 को मेरी बैंक स्टेटमेंट में अभी तक डेबिट साइड पे रिकॉर्ड नहीं किया. बैंक ने तो डेबिट करना था ना भाई, बैंक डेबिट करेगा तो मेरे पैसे कम होंगे ना. तो बैंक वालों ने वो डेबिट नहीं किया. बैंक वालों ने डेबिट नहीं किया, नॉट डेबिट, नॉट येट डेबिटेड बाय द बैंक. ये क्या है? ये कहलाते हैं हमारे नॉट प्रेजेंटेड चेक्स. किसी भी चीज का ये इफेक्ट बन रहा हो वो हमारे कहलाते हैं नॉट प्रेजेंटेड चेक्स. यानी ऐसे चेक्स जो कैश बुक में क्रेडिट होते हैं लेकिन बैंक स्टेटमेंट में डेबिट नहीं होते. जो हम कैश बुक में क्रेडिट करते हैं कि हमने पैसे पे कर दिए लेकिन बैंक में पेमेंट नहीं होती, बैंक वाले पैसे अदा नहीं करते. वजह कोई भी हो सकती है, वी आर नॉट अबाउट कंसर्न अबाउट द रीजन. We are not concerned about the reason. We are concerned कि कहां पर उस चीज का इफेक्ट नहीं हुआ. इफेक्ट कहां पे नहीं हुआ? नहीं हुआ बैंक स्टेटमेंट में उसका इफेक्ट नहीं हुआ. अब बात कर लेते हैं किसकी? एनसी की. यानी कि नॉट क्रेडिटेड चेक्स वो क्या होते हैं? नॉट क्रेडिटेड चेक्स क्या होते हैं? जो कैश बुक में डेबिट होते हैं लेकिन बैंक स्टेटमेंट में क्रेडिट नहीं होते. जैसे 10,000 पड़ा हुआ था, मैंने 500 कैश बैंक में जमा करवाया, मैंने 500 कैश या चेक बैंक में जमा कराया. चेक पेड इनटू द बैंक, चेक पेड फ्रॉम द बैंक नहीं है, चेक पेड इनटू द बैंक. पैसे बैंक में जमा करवाए. अब वो क्या होने चाहिए थे? कैश बुक में डेबिट कर लूंगा मैं कि मेरे पैसे क्या हो गए हैं, बैंक में बढ़ गए. पहले 10,000 से अब 10,500 हो गए लेकिन बैंक वालों ने इन पैसों को अभी तक मेरी क्रेडिट साइट पर बैंक स्टेटमेंट की रिकॉर्ड नहीं किया. यानी बैंक वालों ने क्रेडिट करना था लेकिन बैंक वालों ने अभी तक नॉट येट क्रेडिटेड, बैंक वालों ने अभी तक इसे क्रेडिट नहीं किया. ये है आपके किसी भी चीज का इफेक्टिव बन रहा हो वो आपके क्या कहलाते हैं? नॉट क्रेडिटेड चेक्स या एनसी भी बोलते हैं इसको, एब्रीविएशन में कह सकते हैं. एनपी और एनसी दोनों गलती किसकी है? बैंक की.
एनपी क्या होते हैं? चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, चेक ड्रॉन, हम लिखते हैं उस बंदे के नाम का चेक जिसको पैसे अदा करने होते हैं, कैश में क्रेडिट करते हैं लेकिन बैंक चलने वाले डेबिट नहीं करते उसको। इसी तरह नॉट क्रेडिटेड चेक्स, ये चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड, चेक लॉज्ड विद द बैंक बट नॉट कलेक्टेड बाय द बैंक, मैं दिखाता हूँ नाम उसके, ये देखिए चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय द बैंक, चेक लॉज्ड विद द बैंक, लॉज्ड होता है जमा करवाना, बट नॉट कलेक्टेड बाय द बैंक, डिपॉजिट इन ट्रांजिट भी कहते हैं, चेक रिसीव्ड बट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक बट ऑमिटेड टू बी सेंट टू द बैंक, हमने कैश बुक में रिकॉर्ड कर लिया लेकिन बैंक में नहीं भेजा, ये सब आपके नॉट क्रेडिटेड चेक्स कहलाते हैं, एनसी चेक्स कहलाते हैं, ठीक है जी। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय द बैंक। अब हम चलते हैं वापस, यहाँ पर हमने देख लिया कि वो क्या होते हैं, अब हम चलते हैं बैंक अकाउंट स्टेटमेंट बनाते हैं जिसमें हमने गलतियां किसकी दूर करनी है, बी क्या बैंक स्टेटमेंट की। तो स्टार्ट हम इसको किससे करते हैं, कैश बुक के बैलेंस से, बैलेंस एज पर जो निकाला है आपने कैश बुक, और ये हमारा कौन सा बैलेंस दिया हुआ है कैश बुक का, कैश बुक का डेबिट बैलेंस दिया हुआ है, और कैश बुक का डेबिट बैलेंस कितना हमने निकाला है बेटा 535, तो मैं यहां लिख लूंगा जी 535। अब डेबिट बैलेंस जब होगा तो मैंने याद करें, मैंने बताया था इसमें ऐड कर देंगे हम नॉट प्रेजेंटेड चेक्स, ऐड हो जाते हैं, और इसमें से क्या हो जाते हैं, लेस कर देते हैं हम नॉट क्रेडिटेड चेक्स। इसकी दोबारा इसके बारे में बताता हूं मैं आपको, भी मैंने बताया था, यहां पे लिख रहा हूं, अगर कैश बुक का डेबिट बैलेंस हो तो क्या होता है जी, एनपी जो है वो प्लस हो जाते हैं और एनसी जो है वो माइनस हो जाते हैं। अगर कैश बुक का ही क्रेडिट बैलेंस हो, एनपी क्या हो जाते हैं, रिवर्स माइनस हो जाते हैं, रूल्स रिवर्स कर जाएंगे, और एनसी क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। ये रूल्स हमारे हमारे सामने आ गए हैं, कैश बुक का डेबिट बैलेंस होगा एनपी प्लस होंगे, एनसी माइनस होंगे, क्रेडिट बैलेंस होगा तो एनपी माइनस होंगे, एनसी प्लस होंगे। अब मैंने तो सारी बात है, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन में जो हमने आंसर निकाला है कैश बुक का, वो हमारा डेबिट बैलेंस निकल रहा है, और वो क्या निकल रहा है 535 डेबिट। मैं लिखूंगा बैलेंस एज पर कैश बुक डेबिट 535, इसमें नॉट प्रेजेंटेड चेक्स एड हो जाएंगे, नॉट क्रेडिट चेक्स माइनस हो जाएंगे, तो आपका बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का आंसर आ जाएगा जो बेसिकली आप निकालना चाह रहे हैं। तो देखते हैं कि हमें एनपी कौन से दिए हुए, अब सवाल पैदा दोबारा वही हो गया कि सर एनपी क्या होते हैं, वो अमाउंट जो कैश बुक में क्रेडिट हुई है लेकिन बैंक स्टेटमेंट में डेबिट नहीं हुई अभी तक, वो आपके एनपी है। तो देखते हैं, जो कैश बुक में क्रेडिट हुई है लेकिन बैंक स्टेटमेंट में डेबिट नहीं हुआ, मैं जा रहा हूं सवाल पे दोबारा, उसी क्वेश्चन पे जो हम कर रहे थे, ये आ गया आपके सामने, ये पूरा क्वेश्चन आपके सामने है। देखें एनपी क्या है, जो कैश बुक में क्रेडिट हुए हैं यानी यहां लिखे हुए हैं लेकिन बैंक स्टेटमेंट में डेबिट साइड पर रिकॉर्ड नहीं है। बेटा कैश बुक से आप बैंक स्टेटमेंट को देखें, देखिए 920 यहां क्रेडिट पे है, हमने सिंह को चेक इशू किया था, बैंक वालों ने पेमेंट कर दी, 920 डेबिट भी कर दिया, 480 यहां क्रेडिट पे है, 480 यहां डेबिट भी कर दिया, 220 हमने किंग को पेमेंट इशू किया था चेक कि जाओ जाके बैंक से पेमेंट ले लो, लेकिन बैंक वालों ने पैसे अदा अभी तक नहीं किए, 220 डेबिट नहीं हो रहे, ये आपके हैं नॉट प्रेजेंटेड चेक्स, और ये हमारे फार्मूले के हिसाब से क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे नॉट प्रेजेंटेड चेक्स, और नाम क्या है उसका, नाम है बंदे का किंग, ठीक है जी। उसकी अमाउंट कितनी है, अमाउंट कितनी है देख लेते हैं, अमाउंट है 220, तो 220 हम यहाँ पे क्या कर देंगे जी बेटा, ऐड कर देंगे 220। अब आप ऐड करेंगे 220 तो आपका जो आंसर है वो आ जाएगा 735, आंसर आपका आ जाएगा जी 735। इसमें से लेस कर देंगे नॉट क्रेडिटेड चेक्स, नॉट क्रेडिटेड चेक्स माइनस कर देंगे, वो क्या होते हैं, जो कैश बुक में डेबिट होते हैं लेकिन बैंक स्टेटमेंट में क्रेडिट नहीं होते, ठीक है, यानी कि जो कैश बुक में डेबिट हो रही है अमाउंट्स but they are not written on the credit side of bank statement. Let's check it out. 500 is debited? Yes. Is it shown on the credit side? Yes, ये तो show हो रहा है. Debit भी है, credit भी है. 260 यहाँ debit हो रहा है. देखिए यहाँ credit हो रहा है जी, हो रहा है. Okay. 200 यहाँ debit हो रहा है. आपने cash जमा कराया था bank में, cash book में debit कर दिया, लेकिन bank statement में credit side पर show नहीं हो रहा. तो ये हैं आपके not credited checks. Cash भी हो सकता है, बात एक ही है. तो 200 हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा 555। और मैंने आपको बताया था
कैश बुक है वो बैंक स्टेटमेंट की उलट होती है, तो अगर मैं लिखूंगा बैलेंस एज पर कैश बुक डेबिट, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं बैलेंस एज पर कैश बुक क्रेडिट, मेरा आंसर आएगा 555। अब देखिए आपके क्वेश्चन में आंसर भी यही निकल रहा है, ये रहा 555 क्रेडिट एंड इट इज ए नॉर्मल बैलेंस ऑफ बैंक स्टेटमेंट, क्योंकि नॉर्मल बैलेंस कैश बुक का डेबिट होता है और बैंक स्टेटमेंट का क्रेडिट होता है। देखिए बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस हमने निकाल लिया है 555, जो हमारा आंसर आ रहा है वो आपकी क्वेश्चन के आंसर के इक्वल आ रहे हैं। सर ये तो बात समझ आ गई, लेकिन सर हमने कैश बुक को तो करेक्ट किया है और कैश बुक को करेक्ट करके उसका करेक्ट वाला बैलेंस निकाला है 535, तो बैंक स्टेटमेंट को भी तो करेक्ट करना चाहिए था, हमने ऐसा नहीं किया बेटा। क्यों? क्योंकि हमारा टॉपिक जो है जिस तरीके से हम बीआरएस बना रहे हैं वो क्या है, पढ़ें, स्टार्टिंग फ्रॉम कैश बुक बैलेंस एंड रीचिंग ऑन द बैंक स्टेटमेंट बैलेंस एट द एंड। हम कैश बुक के सही बैलेंस को निकालते हैं, कैश बुक को करेक्ट करते हैं और फिर कैश बुक से बैंक स्टेटमेंट का गलत वाला बैलेंस निकालते हैं, यानी बैंक स्टेटमेंट का जो रॉन्ग बैलेंस है वो फाइंड करते हैं। तो हमने बैंक स्टेटमेंट का गलत वाला बैलेंस जो है वो 555 निकाला है बैंक वालों को ये बताने के लिए कि हमारा बैलेंस 535 शो हो रहा है, और क्योंकि आपने एनपीओ एनसी को सही रिकॉर्ड नहीं किया इसलिए आपका बैलेंस 555 शो हो रहा है। तो ये टॉपिक है हमारा स्टार्टिंग फ्रॉम द कैश बुक बैलेंस विच इज 790 एंड रीचिंग ऑन द बैंक स्टेटमेंट रॉन्ग बैलेंस विच इज 555, जो कि क्वेश्चन में भी दिया हुआ है 555, वो हमने निकाल के क्वेश्चन में दिखाया है। एक मेथड होता है हमारा, उसे हम कहते हैं डबल बैलेंस मेथड। उसमें कैश बुक को तो इस तरह ठीक करते हैं आप, बैंक को भी हम बैंक वाले खुद ठीक करते हैं और दोनों के बैलेंस आपस में क्या कर देते हैं, बराबर कर देते हैं। लेकिन क्योंकि नॉर्मली ओ लेवल्स ए लेवल्स के अंदर हम एक ही तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते जा रहे हैं या हमने एक ही तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखा है, तो हम इसी मेथड को फॉलो करेंगे, यानी स्टार्टिंग फ्रॉम कैश बुक बैलेंस एंड रीचिंग ऑन द बैंक स्टेटमेंट बैलेंस एट द एंड, जो कि हमने कैश बुक के करेक्ट वाले बैलेंस से बैंक स्टेटमेंट का गलत वाला बैलेंस निकाला, राइट, बैंक स्टेटमेंट का रॉन्ग बैलेंस हमने फाइंड किया। तो ये हमने क्वेश्चन को मैंने आज कंप्लीट किया है। अब हम एक क्वेश्चन इसका और मजीद जो है वो करते हैं और मजीद इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि हमें कितनी इसकी समझ जो है वो आई है। तो मैं क्वेश्चन आपके सामने अभी ये देखें जी, ये क्वेश्चन है आपके सामने, हमने कल ये डिस्कस किया था, मैंने बताया था कि हम बीआरएस इसमें बना रहे हैं अप्रैल की, हम अप्रैल की बीआरएस बना रहे हैं, हमारा ताल्लुक सिर्फ अप्रैल के एरर से होगा, अप्रैल की डिस्क्रिपेंसी से होगा, अप्रैल के डिफरेंसेस से होगा, हमारा ताल्लुक मार्च या मई की किसी भी चीज से हमारा कंसर्न नहीं होगा। तो ये जो लिखा हुआ है एरर कोरेक्टेड कॉन्ट्रा 31 मार्च 80, इसको हम शामिल नहीं करेंगे, दैट इज गोइंग टू बी इग्नोर्ड, इसको हम इग्नोर कर देंगे, इसको हम शामिल नहीं करेंगे, इसको हम इस क्वेश्चन का हिस्सा नहीं बनाएंगे। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, इसी के ऊपर मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ, यानी कि इसको वैल्यूज को मिटा देता हूँ ना, आई होप सो कि आप ऑलरेडी इसको रिकॉर्ड कर चुके हैं, आप इनको लिख चुके हैं ऑलरेडी, इसी को मिटा के इसके ऊपर जो है वो मैं सॉल्व आपको करके दिखाने लगा हूं। तो मैं मिटा रहा हूँ इसको और इसके ऊपर इंशाल्लाह ताला हम, मैं दोबारा, क्योंकि मुझे दोबारा फॉर्मेट बनाना पड़ेगा, तो मेरे लिए आसान हो जाएगा कि मैं एक ही फॉर्मेट पर क्वेश्चन जो है वो इजीली सॉल्व कर सकता हूं और मेरे लिए जरा आसानी हो जाएगी। अमाउंट्स को मिटा देता हूं मैं, जो नॉर्मल बैलेंस तो कुछ भी हो सकता है और एनपीएनसी का भी काफी फर्क आ सकता है, जब आएगा साथ साथ फिर हम उसको एडजस्ट करते रहेंगे कि हमने कैसे चीजों को एडजस्ट करना है या लिखना है। चलते हैं जी आगे हम अपने अगले सवाल की तरफ। आपको पता है सबसे पहले क्वेश्चन हम बनाते हैं अपडेटेड कैश बुक या रिवाइज कैश बुक, रिवाइज कैश बुक हम बनाते हैं, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे जी उसमें, रिसीट्स। रिसीट्स क्या होती हैं, जो बैंक स्टेटमेंट में क्रेडिट होती है लेकिन कैश बुक में डेबिट नहीं होती। ये 225 यहां 80 को तो छोड़ देंगे ना, 80 विल नॉट बी कंसिडर्ड, 225 यहां क्रेडिट पे है या डेबिट पे है, ओके, 60 यहां क्रेडिट पे है वहां डेबिट पे है, यस, लेकिन नीचे लिखा हुआ है 90 अगले पेज पे, 90 डिविडेंड क्रेडिट हुआ है बैंक स्टेटमेंट में लेकिन कैश बुक डेबिट साइड पर 90 आपको नजर नहीं आ रहा, तो ये डिविडेंड जो है ये आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा 90 से, जो मैं रिकॉर्ड करूंगा रिसीट साइड पर मेरा आ जाएगा डिविडेंड के नाम से 90 की अमाउंट। ओके हो गया जी। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम, डिविडेंड तो हमने लिख दिया, अब पेमेंट्स की बारी आती है, सारी बात है पेमेंट्स क्या होती है, जो बैंक स्टेटमेंट में डेबिट होती है, जो बैंक स्टेटमेंट में डेबिट होती है लेकिन कैश बुक में क्रेडिट नहीं होती,
90 यहाँ डेबिट पे है, वहां कैश बुक में क्रेडिट पे लिखा हुआ है, जी लिखा हुआ है। 85 यहाँ डेबिट पे है, वहां क्रेडिट पे है, नहीं है, आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। 270 यहाँ डेबिट पे है, वहां क्रेडिट पे है, जी लिखा हुआ है। 60 यहाँ डेबिट पे है, वहां क्रेडिट पे है, नहीं है। तो एक तो 85 है फायर इंश्योरेंस का और एक 60 है चेक डिसऑनर का, जो आपको लिखना पड़ेगा। चेक डिसऑनर का क्या आ जाएगा, 60, और दूसरा हम फायर इंश्योरेंस का लिख लेते हैं और उसकी अमाउंट में देख लेता हूँ, उसकी अमाउंट कितनी लिखी हुई है हमारे सामने, देखते हैं जी। एक मिनट जी, चेक डिसऑनर है आपका 60 का, अनपेड चेक, अनपेड चेक, चेक बाउंस करना ही होता है बेटा, ये चेक डिसऑनर ही होता है। और दूसरा क्या लिखा हुआ है आपका अनपेड चेक के बाद, वो लिखा हुआ है आपका 85 का बैंकर्स ऑर्डर, ठीक है जी। तो वो मैं लिखूंगा बैंकर्स ऑर्डर के नाम से आ जाएगा 85 यहाँ पे, बैंकर्स ऑर्डर कर दें, स्टैंडिंग ऑर्डर कर दें, वो हम लिख देंगे इधर 85। एक चीज में यहाँ पे मैंने गलती की है, वो क्या, मैंने कैश बुक का बैलेंस ब्रॉड डाउन नहीं लिखा, वो दिया हुआ कितना 450 क्रेडिट, ये दिया हुआ है, वो मुझे लिखना पड़ेगा क्योंकि वहां से हम स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा ब्रॉड डाउन और वो दिया हुआ है, मैं डॉलर के साइन को थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ ना, ताकि हमें प्रॉब्लम ना हो। तो ब्रॉड डाउन आपका आ जाएगा क्रेडिट कितना 450 से, ठीक है जी। आप टोटल कर लेते हैं, क्रेडिट साइड है, क्रेडिट साइड बड़ी जो है इसलिए 450 प्लस 60 प्लस 85 ये आ जाएगा आपका 595, इधर इधर भी आ जाएगा आपका 595, माइनस कर देंगे हम 90 तो आपका आंसर आ जाएगा 505। ये सब हम यहां तक तो हम कल कर चुके थे, आपको याद होगा मैंने यहां तक आपको करके दिखाया था। ये आपका आ जाएगा 505 एंड दिस इज गोइंग टू बी द कैरी डाउन बैलेंस एंड दिस कैरी डाउन बैलेंस विल बिकम द ब्रॉड डाउन बैलेंस विच इज गोइंग टू बी टेकन टू द बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। अच्छा, ये मैंने कैश बुक को क्रैक कर लिया है, लेकिन बैंक स्टेटमेंट को करेक्ट करके 505 आंसर आना चाहिए, लेकिन हम बैंक स्टेटमेंट को करेक्ट नहीं कर रहे क्योंकि हमारा मेथड डिफरेंट है। मेथड ये है स्टार्टिंग फ्रॉम वन बैलेंस एंड रीचिंग ऑन द अदर। तो हम बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट में कैश बुक के बैलेंस से ही स्टार्ट ले रहे हैं, क्योंकि कितना है 505 का, और कैश बुक का कौन सा बैलेंस दिया हुआ है बेटा, ये क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है कैश बुक का, 505। मैं लिख लूंगा यहाँ पे 505, ठीक है जी। ऐड कर लेंगे इसमें हम नॉट प्रेजेंटेड चेक्स, नहीं गलत, इधर आ जाएं। डेबिट बैलेंस होगा तो एनपी प्लस होंगे, एनसी माइनस होंगे, क्रेडिट बैलेंस होगा तो एनपी माइनस होंगे, एनसी प्लस होंगे। हमारा फार्मूला जो है, जो हमारा मेथड है, वो क्या हो जाएगा, उलट जाएगा, क्योंकि नॉट प्रेजेंटेड चेक्स जो है वो इसमें क्या होने हैं, इसमें नॉट प्रेजेंटेड चेक्स लेस होने और नॉट क्रेडिटेड चेक्स जो है वो एड होने। तो मैं इसको ठीक करता हूँ, यहां पर मैं क्या लिखूंगा, यहां लिखूंगा जी लेस, लेस हो जाएंगे, और यहां पे क्या आ जाएगा ऐड। अब देखते हैं एनपीएनसी हमारे कितने दिए हुए और कहां दिए हुए। अब एनपी क्या है जी, वो चेक्स जो कैश बुक में क्रेडिट हुए हैं, हमने पेमेंट के लिए इशू किए हैं, पैसे देने थे किसी के, आपने चेक इशू किए पेमेंट के लिए, लेकिन बैंक वालों ने पेमेंट नहीं की, यानी दे आर सपोज टू बी credited in the cash book but not yet debited in the bank statement. They are credited in the cash book but not yet debited in the bank statement. तो देखते हैं हम, देखें 90 यहाँ पे credit पे लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ debit पर okay, it's already given. That's true. 90 is credited, it is also debited in the bank statement. 270 यहाँ credit पे है, यहाँ debit पे है, yes है. 1050 Patel को we have issued a check in favor of Patel but it is not yet debited by the in the bank statement. यानी बैंक हैजंट पेड द अमाउंट येट टू पटेल। हमने चेक इशू कर जारी कर दिया था कि जाओ बैंक से पैसे ले लो, लेकिन बैंक वालों ने पेमेंट अभी तक नहीं की हुई। ये हैं आपके नॉट प्रेजेंटेड चेक्स, और यहाँ पे क्या हो जाएंगे, लेस हो जाएंगे नॉट प्रेजेंटेड चेक्स। यहाँ पे मैं लिख दूंगा 1050 505 में से माइनस कर देंगे। जब आप 505 में से माइनस करेंगे बेटा, तो आपका आंसर नेगेटिव आएगा बेटा। 505 माइनस 1050 करेंगे तो आंसर नेगेटिव आएगा, 545 नेगेटिव आएगा। तो जब अकाउंटिंग में नेगेटिव कोई चीज नहीं होती, वी विल यूज ब्रैकेट्स, 545 ब्रैकेट्स में आपका आ जाएगा, और इसमें ऐड कर देंगे नॉट क्रेडिटेड चेक्स। अब ये क्या होते हैं, जो कैश बुक में डेबिट हैं बट नॉट येट क्रेडिटेड इन द बैंक स्टेटमेंट। इट इज डेबिटेड इन द कैश बुक बट नॉट येट क्रेडिटेड इन द बैंक स्टेटमेंट। देखें 225 यहाँ डेबिट है, यहाँ क्रेडिट है, जी है। 60 यहाँ डेबिट पे दिया हुआ है, यहाँ क्रेडिट पे है, जी लिखा हुआ है। 75 यहाँ डेबिट पे दिया हुआ है, यहाँ क्रेडिट पे है, नहीं है।
बैलेंस को नहीं देखना, ये तो बैलेंस था, बैलेंस को तो हम आगे लेके जा चुके हैं ऑलरेडी 450 क्रेडिट साइड पर। 75 हमारे हैं जो कि कैश बुक में डेबिट हुए हैं लेकिन बैंक स्टेटमेंट में क्रेडिट साइड पर शो नहीं हो रहे, ये आपके एनसी है। और एनसी हमारे फार्मूले के हिसाब से, क्योंकि फार्मूला कैश बुक क्रेडिट बैलेंस का एनपी माइनस होते हैं, एनसी ऐड होते हैं, 75 आपका ऐड हो जाएगा। जब माइनस 545 में 75 ऐड करेंगे तो आपका ये नेगेटिव बैलेंस कम हो जाएगा, और ये नेगेटिव कितना हो जाएगा, 470 नेगेटिव हो जाएगा। जब आंसर नेगेटिव में आ रहा हो तो याद रखिएगा दोनों बैलेंस सेम हो जाएंगे। उसके लिए मैं आपको लिखवाता हूं, आपको बताया था मैंने, अगर ऊपर बैलेंस एज पर कैश बुक, अगर ऊपर बैलेंस एज पर कैश बुक डेबिट है तो हम एंड करेंगे बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट क्रेडिट पे, अगर ऊपर बैलेंस एज पर कैश बुक क्रेडिट है तो नीचे एंड करेंगे बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट डेबिट पे, बिकॉज कैश बुक इज ऑलवेज ऑपोजिट टू बैंक स्टेटमेंट, राइट। बट इफ द आंसर इज इन नेगेटिव, बोथ द बैलेंस विल बिकम द सेम, बोथ द बैलेंस विल बिकम द सेम का मतलब ये नहीं है कि कैश बुक ही लिखेंगे, बैंक स्टेटमेंट ही लिखेंगे, लेकिन अगर ये डेबिट है तो नीचे भी डेबिट होगा, अगर ये क्रेडिट है तो नीचे भी क्रेडिट होगा, क्योंकि बैलेंस उलट जाएगा। तो देखिए हमारा 470 नेगेटिव ही आ रहा होगा बैंक स्टेटमेंट का एंडिंग बैलेंस, मैं आपको दिखाता हूं, ये देखिए ये आ रहा है 470 और ये क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, यानी बैंक स्टेटमेंट का पॉजिटिव बैलेंस आ रहा है। देखिए बेटा ये आपको पता होना चाहिए, ये जो कैश बुक का बैलेंस होता है ना डेबिट बैलेंस, वो फेवरेबल बैलेंस है, कैश बुक का डेबिट बैलेंस फेवरेबल बैलेंस है। इसी तरह बैंक स्टेटमेंट का क्रेडिट बैलेंस जो है वो फेवरेबल बैलेंस होता है, यानी फेवरेबल से मुराद ये है कि अगर कैश बुक का डेबिट बैलेंस लिखा हो तो उसका मतलब है हमारे पैसे कैश बुक में पड़े हुए हैं, अगर बैंक स्टेटमेंट का क्रेडिट बैलेंस लिखा हो तो उसका मतलब है कि हमारे पैसे बैंक स्टेटमेंट में भी क्रेडिट साइड पर पड़े हुए हैं। ये शो करते हैं आपके कैश बुक का डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस। तो ये मैंने आपको दो क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं, अब इससे मजीद आगे हम जो है वो चल रहे हैं, और ये भी बताया साथ कि फेवरेबल और अनफेवरेबल बैलेंस जो है वो कैसे होती है, कैश बुक जो है वो बैंक स्टेटमेंट के हमेशा उलट होती है, और ये क्वेश्चन भी सॉल्व करके आपको बताया है। एक क्वेश्चन मैंने सॉल्व जो लास्ट करवाया था दैट इज बेसिकली रिगार्डिंग ए डेबिट बैलेंस, बट दिस क्वेश्चन में हमारा कैश बुक का जो स्टार्टिंग बैलेंस था वो क्रेडिट बैलेंस था, उसको सॉल्व किया, और क्रेडिट बैलेंस से फिर हम शुरू करेंगे तो डेबिट बैलेंस आना चाहिए था, लेकिन क्योंकि आंसर नेगेटिव में आ रहा है, आई रिपीट अगेन, इफ द आंसर इज इन नेगेटिव बोथ बैलेंस विल बिकम द सेम, यानी अगर क्रेडिट है तो क्रेडिट ही हो जाएगा, डेबिट है तो डेबिट ही हो जाएगा, यानी अगर कैश बुक का क्रेडिट है तो बैंक स्टेटमेंट का भी क्रेडिट आएगा, अगर कैश बुक का डेबिट है तो बैंक स्टेटमेंट का भी डेबिट आएगा, ये सूरत में होता है दोनों बैलेंस सेम हो जाते हैं अगर आपका आंसर नेगेटिव में आ रहा हो। तो दिस इज हाउ वी हैव सॉल्व द क्वेश्चन, तो इसमें कोई मसला अमल तो बताएं मुझे प्लीज, समझ आ गई है कि आपने कैसे बनाना है बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट को? जी अमल कोई मसला तो बताएं। नो सर समझ आ गई है। अच्छा जी, इसके अलावा एक मेथड और होता है उसे हम कहते हैं डबल बैलेंस मेथड, लेकिन वो आपके कोर्स में नहीं है। सर डबल बैलेंस मेथड बात समझ नहीं आ रही, मैं डबल बैलेंस मेथड के बारे में फिलहाल नहीं बताऊंगा, बट एट द एंड ऑफ द चैप्टर मैं वो भी आपको एक्सप्लेन करूंगा, जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, आपको समझ आ जाए कि मैं क्या कह रहा हूँ, क्योंकि बज़ाहिर तौर पे लगता ये है कि सर देखें आपने कैश बुक की गलतियों को ठीक किया यहाँ पर जब अपडेटेड कैश बुक बनाई और उसका आंसर निकाला 505, तो सर इसी तरह बैंक स्टेटमेंट की गलतियों को भी ठीक करें और उसका भी बैलेंस निकालें 505, होना ये चाहिए, उसे कहते हैं डबल बैलेंस मेथड। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम स्टार्ट कर रहे हैं कैश बुक के गलत बैलेंस से, उसको ठीक करते हैं और फिर कैश बुक के ठीक वाले बैलेंस को बैंक स्टेटमेंट के गलत वाले बैलेंस तक लेके जाते हैं, सो दैट वी शुड सेंड दिस बेसिकली दिस पर्टिकुलर पेज टू द बैंक स्टेटमेंट टू मेक देम रियलाइज आप लोगों ने ये गलतियां की हैं जिसकी वजह से आपका 470 बैलेंस नेगेटिव आ रहा है। तो हम बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस 470 निकाल कर दिखाते हैं, इसीलिए इस मेथड को कहते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम वन बैलेंस एंड रीचिंग ऑन द अदर, इसी वजह से इस मेथड का नाम ये है। आगे देखते हैं जी, क्वेश्चन है जी आपका मई जून 10-21 का, आपने पहले कैश बुक अपडेट करनी है, इसको मैं जल्दी से करवाता हूँ फिर आगे आप इसको खुद बाकी सॉल्व आप खुद कर सकते हैं, नेक्स्ट जो उसका पार्ट है पहला पार्ट मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा। तो हम देखते हैं इसको, देखिए बैलेंस ब्रॉड डाउन दिया हुआ है 650 क्रेडिट, तो वो क्रेडिट है तो बैलेंस ब्रॉड डाउन 650 उसने ऑलरेडी यहाँ पर लिख दिया हुआ है बैंक कॉलम वन में, बैलेंस ब्रॉड डाउन 650 का, क्योंकि ये बैंक स्टेटमेंट दी हुई है ना आपकी, कैश बुक ऊपर दी होगी। एक मिनट मैं अभी आपको
दिखाता हूँ, हाँ जी, ये आपको बैंक स्टेटमेंट दी हुई है, बैंक स्टेटमेंट आपको दी हुई है और बैंक स्टेटमेंट में उसने बताया है कि बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस ब्रॉड ऑन 650 है, तो बैंक स्टेटमेंट का क्रेडिट बैलेंस होगा तो कैश बुक का क्या होगा, डेबिट बैलेंस सेम, तो 650 क्रेडिट है, हमारा 650 डेबिट आ जाएगा, पहले से सॉल्व करके दिया हुआ है। पैसिफिक ट्रेडर्स 1500 क्यों आ रहे हैं, क्योंकि वो बैंक स्टेटमेंट में क्रेडिट हुए हैं लेकिन हमने कैश बुक में डेबिट नहीं किए थे, वो उन्होंने कर दिए। फिर 130 यहाँ पे क्रेडिट हुआ है, हमने डेबिट किया हुआ है, नहीं किया हुआ, तो आपको डेबिट करना पड़ेगा, डी तो आपने करना है असल में, तो आप यहाँ डेबिट करेंगे, क्या चीज थी 130 क्रेडिट ट्रांसफर जो नहीं किया हुआ उसने, इसमें पूरी नहीं बनानी थी ना, उन्होंने ऑलरेडी कुछ चीजें सॉल्व करके दे दी थी, बाकी हमने जो वो लिखना था। क्रेडिट ट्रांसफर हम रिकॉर्ड करेंगे, कितना आ जाएगा यहाँ पे 130। उसके बाद डेबिट साइड पे आ जाए 730, तो लिखा हुआ है क्रेडिट पे इसकी 12 इंटरेस्ट चार्ज किया था, लेकिन वो इंटरेस्ट के पैसे हमने अभी तक बैंक स्टेटमेंट में रिकॉर्ड नहीं किए हुए, बाहर इसका हम टोटल कर लेंगे जी। ठीक है जी, टोटल इसका कर लेते हैं 650 प्लस 1500 प्लस 96 प्लस 130, टोटल आपका आ जाएगा 2376। अब इधर भी टोटल कितना आ जाएगा आपका 2376 माइनस 730 माइनस 75 माइनस 12, आपका आंसर आ जाएगा 1559। यानी कि यहां पर आपका जो कैरेट डाउन है वो हम निकाल लेंगे, वो आ जाएगा 1559। अब आपने क्या बनानी है, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, शुरू आप करेंगे इसी से 159 कैश बुक के डेबिट बैलेंस से। ये मैं शॉर्ट करके दिखा रहा हूँ क्योंकि टाइम जरा कम है, इसलिए कैश बुक के डेबिट बैलेंस हम स्टार्ट कर देंगे, वो आ जाएगा 1559। उसमें आप क्या करेंगे, डेबिट बैलेंस है तो ऐड क्या हो जाएंगे आपके एनपी ऐड हो जाएंगे, और आपके एनसी क्या हो जाएंगे माइनस हो जाएंगे, ये फॉर्मूला बनेगा ना, एनपी ऐड एनसी माइनस। अब एनपी क्या होते हैं, जो कैश बुक में क्रेडिट होते हैं लेकिन बैंक स्टेटमेंट में डेबिट नहीं होते, देखें 75 यहां क्रेडिट है कैश बुक में, बैंक स्टेटमेंट में डेबिट किया हुआ है नहीं किया हुआ, तो ये आपके एनपी है, ये 75 यहां क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे। उसके बाद एनसी क्या है, जो कैश बुक में डेबिट होते हैं लेकिन बैंक स्टेटमेंट में क्रेडिट नहीं होते, 1500 यहां डेबिट है वहां क्रेडिट है जी है, 96 यहां डेबिट है वहां क्रेडिट है नहीं है, तो 96 के आपके आ जाएंगे एनसी, जो बेसिकली क्या होने बेटा माइनस होने, सॉल्व कर लेंगे हम तो आपके पास डेफिनेटली वही आंसर आ जाएगा जो कि बैंक स्टेटमेंट का आंसर निकल आएगा, गलत वाला बैंक स्टेटमेंट का आंसर 1559 प्लस 75 माइनस 96, आंसर क्या आ जाएगा 1538। याद रखिएगा मैंने बताया था स्टार्ट अगर आप करेंगे कैश बुक के बैलेंस से तो खत्म किस पे करेंगे, बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस पे, और पॉजिटिव आ रहा है आंसर तो बैंक स्टेटमेंट का जो बैलेंस आएगा वो क्या आएगा जी, बिल्कुल वो आपका ऑपोजिट बैलेंस आता है, उसका डेबिट है तो इसका क्या होगा क्रेडिट, तो देखें ऊपर देखें क्रेडिट ही दिया हुआ है क्वेश्चन में आंसर, ये देखें 1538 क्रेडिट बैलेंस एंड पे बैंक स्टेटमेंट का दिया हुआ है जो मैंने यहाँ पर निकाल के, तो ये कैश बुक को मैंने कंप्लीट किया है और साथ में छोटी सी बैंक स्टेटमेंट भी बना के दिखाई है ताकि आपको समझ आ जाए कि सवाल को हमने कैसे सॉल्व करना है। भाई इसमें ये बात, ये सवाल आपको समझ आया कि कैसे किया था, थोड़ा सा चेंज था क्वेश्चन, ये चेंज इसलिए था इस क्वेश्चन के अंदर आपको पूरी कैश बुक नहीं बनानी पड़ी, कैश बुक पहले से बनी हुई थी, आपने सिर्फ उसमें जो रिसीट्स रिकॉर्ड नहीं की थी वो रिकॉर्ड की, जो पेमेंट रिकॉर्ड नहीं की थी वो रिकॉर्ड की, और उसका अपडेटेड कैश बुक बना के आपने उसका कैरेट डाउन बैलेंस निकाल लिया है जो कि बेसिकली डेबिट बैलेंस है, और यहाँ पर ब्रॉडडाउन भी लिखना जरूरी है और नंबर कट जाएंगे। फिर उससे आपने बीआरएस बनाना स्टार्ट किए, और बीआरएस को आपने स्टार्ट किया है किससे, कैश बुक के डेबिट बैलेंस से 1559 डेबिट बैलेंस है तो एनपी ऐड होंगे एनसी माइनस होंगे, एनपी क्या होते हैं जो कैश बुक में क्रेडिट हुए हैं 75 लेकिन बैंक स्टेटमेंट में डेबिट नहीं हुए ऐड कर दिए, एनसी क्या होते हैं जो कैश बुक में डेबिट हुए हैं 96 लेकिन बैंक स्टेटमेंट में क्रेडिट नहीं हुए तो वो माइनस कर दिया आपने, तो आपका आंसर आ गया 1538 जो कि ये लिखा हुआ है कैश बुक का डेबिट था तो बैंक स्टेटमेंट का क्रेडिट होगा। अगर ये आंसर नेगेटिव में आता 1538 अगर आंसर नेगेटिव में आता तो फिर हम कैश बुक का डेबिट लेते और बैंक स्टेटमेंट का भी डेबिट बैलेंस ही लेते, उलट कर देते। अदरवाइज नॉर्मल वे यही है कि कैश बुक इज ऑलवेज ऑपोजिट टू बैंक स्टेटमेंट, यानी अगर कैश बुक का डेबिट बैलेंस है तो बैंक स्टेटमेंट का क्रेडिट है, अगर कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस है तो बैंक स्टेटमेंट का डेबिट बैलेंस निकाला जाएगा।
जी देख लें इसमें कोई मसला है तो मुझे बताएं, वरना मैं वो अब आगे चलता हूँ इससे नेक्स्ट। कोई प्रॉब्लम है तो बताओ अमल, हसनैन कोई मसला है तो बताएं। नो सर। अमल समझ आ गई है? सर। अच्छा जी, अब घर में आपने जो क्वेश्चन करने हैं उनकी बात कर लेते हैं। ये जो 6, 7, 8 क्वेश्चन है ये आपने नहीं करने हैं, ठीक है जी। उससे पिछले क्वेश्चन जो है वो कौन कौन से हैं, 2, 3, 4, 5 लिख लें, ये करने हैं आपने 2, 3, 4, 5, ठीक है जी। उसके बाद आपने करना है क्वेश्चन नंबर 8, सॉरी 8 नहीं करना। बस मेरा ख्याल है कि अभी फिलहाल आज के लिए 2, 3, 4, 5 ही आप रखें, फिर हम नेक्स्ट क्लास में मजीद इससे आगे जो है वो चलेंगे कि आपने अगले कौन से क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने हैं, ठीक है जी। अभी फिलहाल 2, 3, 4, 5 को ही आप कंसिडर करें और उसको ही सॉल्व करें, फिर हम इंशाल्लाह ताला आगे मजीद जो है वो चलेंगे, और इसमें इंशाल्लाह ताला आपको कैश बुक के सॉल्व भी आएंगे और दूसरी चीज़ें भी इसमें एडजस्टमेंट हमारी आती रहेगी। तो 2, 3, 4, 5 क्वेश्चन को आप अच्छे तरीके से सॉल्व करें, जो मैंने समझाया है, जो लिखा हुआ है मेरी बुक के अंदर उसको अच्छी तरह से डिस्कस करें, उसको पढ़ें, क्योंकि वो आपको बहुत कुछ बताएगा। फिर हम नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह इससे आगे जो है मूव ऑन करेंगे। क्वेश्चन करते हुए कोई प्रॉब्लम हो आपको तो आप डेफिनेटली मुझसे पूछ सकते हैं, व्हाट्सअप है आपके पास, उससे डायरेक्टली आप मुझे कोऑर्डिनेट मुझसे कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला ये वाला लेक्चर मुझे फिर से भेज देंगे? जी बिल्कुल, मैं भेज दूंगा लेक्चर आपको, कोई मसला नहीं सर। जी ठीक है जी, ओके ओके जी, अल्लाह हाफिज़।